राजा रघुजी भोसले द्वारा बाबा ताजुद्दीन जी को एक बग्घी दी गई थी। आज उसी बग्घी को राजा मधुजी भोसले की ओर से पूरी सजावट के साथ बाबा ताजुद्दीन के जन्मदिन के अवसर पर बड़ा ताजबाग दरगाह में भेंट दिया गया। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। कहते हैं कि महाराष्ट्र यह संतों सूफियों की भूमि है। इसी भूमि में कई संत हो गए हैं जिन्होंने सभी जाति धर्म पंथ के लोगों को जीवन जीने की नई दिशा दी है। प्यार एकता अखंडता भाईचारा और एक दूसरे का सम्मान आदि सीख दी है। इन्हीं संतों में से एक नागपुर के बाबा ताजुद्दीन हैं जिन्होंने लोगों का अच्छा मार्गदर्शन करते हुए नेकी करने की राह बताई है। ऐसे नागपुर के संत बाबा ताजुद्दीन का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नागपुर के बड़ा ताजबाग में बाबा ताजुद्दीन जन्मदिन के अवसर पर श्रद्धालुओं का दर्शन करने के लिए तांता लगा हुआ है। बड़ा ताजबाग दरगाह परिसर रोशनाई से जगमगा हुआ है। पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आए हुए हैं। नागपुर के राजा रघुजी भोसले इन्होंने उस जमाने में बाबा ताजुद्दीन जी को शहर की सैर कराने एक विशेष बग्घी दी थी। उस बग्घी की खास सजावट करके राजा मधुजी भोसले इन्होंने बड़ा ताजबाग को भीड़ की बग्घी को देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ था। राजा जयसिंह भोसले और साथियों ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर राजा मधुजी भोसले इन्होंने BCN समक्ष बातचीत की। बाइट प्लस P2C। कहते हैं कि नागपुर ये संतों की भूमि है और इसी भूमि पे बाबा ताजुद्दीन औलिया ये भी यहाँ पे आए हुए थे और बाबा ताजुद्दीन का आज दरगाह में हम इस समय में बड़ा ताजबाग में मौजूद है। हम आपको बता दें कि इस समय में हमारे साथ में राजा मधुजी भोसले साहब है और मधुजी भोसले साहब के अब तक के कई पूर्वजों ने बाबा ताजुद्दीन जी की काफ़ी सेवाएँ की है और आज बाबा ताजुद्दीन का जन्मदिन है। इस अवसर पर आइए हम राजा साहब से कुछ बात करते हैं। राजा साहब ये बताए कि जिस तरह से आज ये जो भव्य पालकी भोसले की ओर से निकल के क्या कहना चाहोगे? आज यहाँ पे बाबा जान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाबा जान के जो कोचवान थे हीरालाल जी, उनके नाती ने एक बाबा जान की जो रघुजी महाराज दीवी बग्घी थी, वो बग्घी का जो पुराना जो चेचिस और ये सब है उसके ऊपर उसने एक लकड़े का नया काम करके वो बग्घी फिर से तैयार की और वो बग्घी आज यहाँ पे हम बाबा जान की सेवा में वो बग्घी देने जा रहे हैं ताकि जो वार्षिक उर्स संदल निकलता है बाबा का, वो शाही संदल में वो बग्घी वो उर्स में हमेशा निकलते रहे। वो उपलक्ष्य में आज यहाँ वो बग्घी हम भेंट करने जा रहे हैं और बाबा जान को दी हुई अर्पण की हुई चीज़ें आज फिर से उनको वापस अर्पण करने के लिए जो उनके कोचवान हैं, कोचवान के जो नाती वगैरह है उनकी इच्छा थी और उन्होंने एक बहुत सुंदर राजस्थान से कारागिर बुला के एक सुंदर उसको तैयार किया है और आज से ये बग्घी बाबा जान की सेवा में यहाँ दी जा रही है। राजा साहब ये बताए कि भोसले जी के ऊपर में भोसले जो परिवार था तब आपकी जो पीढ़ी जो दर पीढ़ी जो बनती गई बाबा जान की काफ़ी असीम कृपा दृष्टि रही है, कितनी दूर दराज से लोग आते, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भोसले परिवार का एक जो लगाव था ये तो हमारा सौभाग्य है कि बाबा जान की सेवा करने का मौका हमारे पूर्वज को मिला। रघुजी महाराज चतुर्थ को बाबा जान बड़े भैया कहते थे और एक संयोगी है कि बाबा जान को ब्रिटिश लोगों ने थोड़ा सा पागल समझ पागल खाने में बाबा जान की लीला को समझ नहीं पाए थे और उनको वहाँ रखा था, तो उस वक्त रघुजी महाराज ने आगे बढ़कर बाबा जान को पागल खाने से बाबा जान को लाए और उनकी आखिरी तक सेवा करने का सौभाग्य ये हमारे पूर्वजों को मिला और वही सौभाग्य अभी उनके कारण हमारे घराने को है। बाबा जान हमारे एक परिवार के ही है ये हम मानते हैं और मानते रहेंगे। बिल्कुल, तो आप थे राजा मधुजी भोसले साहब जिन्होंने बात करते हुए ये कहा कि बाबा जान का लगाव कितना था और बाबा जान की जो रिश्ते थे, क्योंकि बाबा जान ये सभी जाति धर्म पंथ के लोगों को साथ में लेके चलते थे और आज समय भी वो है कि सभी का सम्मान करना चाहिए और एकता अखंडता इस देश में बरकरार रहना चाहिए, यही संदेश आज बाबा जान के जन्म के इस पावन पर्व पर इस अवसर पर राजा मधुजी भोसले साहब ने दिया है। कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, इन BCN न्यूज़ नागपुर।